ठीक है बच्चों, तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्या है, एथिकल हैकिंग में नाउडेज बहुत सारी वैकेंसीज भी है, ठीक है। मेरा ये कुछ टाइम लेक्चर चलेगा, जैसे कि कुछ वैकेंसीज भी हम मतलब इसमें डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारी थिंग्स डिस्कस करेंगे। और लाइक जैसे कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी सारी फील्ड भी है, तो उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर पता है ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड ऐसी है, यहाँ पर जो ज़्यादा गेम खेलने में जितना आगे है ना वो उतना ही ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो गेमर का जो माइंड होता है ना, जो कि गेम खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, वो क्या करता है, न्यू थिंग्स को अराइज करता है अपने अंदर से, मतलब लॉजिक्स ढूंढता है, ठीक है। तो ये लॉजिक का ही काम होता है यहाँ पर हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही है कि मतलब आपको अगर इंटरेस्ट है ना गेम खेलने में, तो फिर आप भी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर चीज वही है, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ सबसे अच्छी एज आप लोगों की है, हम लोगों ने ज्यादा, मुझे लगता नहीं आप लोगों की ज्यादा एज है। तो जो एथिकल हैकिंग सीखने की जो एज होती है ना, वो 14 साल से लेके 24-25 साल तक ही होती है, उसके बाद कोई भी एथिकल हैकिंग सीख ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना आपका, एक्सप्लोर करने का होता है, सीखने का होता है, फिर उसके बाद का जो टाइम होता है ना, फिर वो बहुत बेकार हो जाता है। फिर वो मतलब अगर जो 24 से 25 साल की उम्र तक सीख गया, वो सीख गया, उसके आगे बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग सीख जाते हैं, अगर जिनका माइंड अच्छा है वो लोग सीख जाते हैं, लेकिन इसी टाइप की मतलब इसी एज के लोग ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा किसी ने कुछ हैक किया है ना, वो लड़का 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे ही उम्र कर रहा होगा, ठीक है ना। 20+ तो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन कम एज के लोग जो होते हैं ना, वो चीज सोच लेते हैं, वो ऐसा लॉजिक लगाते हैं वहाँ पर जिसके थ्रू वेबसाइटों को या फिर सर्वर। यस पांडे प्लीज, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल उस चीज़ को सोच भी नहीं सकता है, ना ही कोई आईटी प्रोफेशनल सोच सकता है। तो वो ऐसा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक आपके अंदर मैं भी देखना चाहता हूँ कि मतलब आप भी लगाओ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज का खेल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको वैसे ही आ जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट बताऊँ क्यों आता है इसमें, मैं बता रहा हूँ, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको पढ़ना है, ना तो आपको कुछ रटना है, यहाँ पर आपको सिर्फ काम करना है, मतलब परफॉर्म करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। याद मतलब इंटरव्यू के लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन रट लोगे, आपको हो जाएगा सिलेक्शन। यहाँ सिर्फ आपको ना वो प्रैक्टिकली करवाएगा, जो चीज़ हम बता रहे हैं ना वही चीज़ वो प्रैक्टिकल करवाएगा। तो आप वहाँ पर प्रैक्टिकल करोगे तो आप ये देखो कि मतलब चीजों को रटने से, उसको समझने से अच्छा तो यही है कि आप सीधा उसको करो। और दूसरी चीज ये इंटरेस्टिंग भी होती है, तीसरी चीज इसमें पैसा भी होता है, और आपका इंटरेस्ट है तो फिर उससे बड़ी बात ही क्या है। शायद आप लोगों का इंटरेस्ट है इसलिए आप यहाँ पर आए हो, और इसीलिए मतलब मेरा भी इंटरेस्ट है पढ़ाने में आपको, क्योंकि अब हमने तो अपना करियर इसमें बना लिया है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था भी नहीं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार मतलब लोग बस सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने का गेम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नोट्स बनवा लेते हैं लोगों के कि ये नोट्स है, वो नोट्स है, पढ़ो इसको। एक थ्योरी पढ़ के आपको अगर सब कुछ समझ में आ रहा होता तो फिर सब आजकल सभी साइबर सिक्योरिटी में होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल का गेम होता है, यहाँ पर लैब्स होती हैं, यहाँ पर CTF होता है, यहाँ पर ट्राई हैकमी की लैब्स होती है। वो जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मजा आता है, ऐसा लगता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, और CTF तो गेम जैसे ही होता है, ठीक है बच्चों, एकदम ऐसा लगेगा आपको गेम खेल रहे हो। और गेम खेलते खेलते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि आप भी बोलोगे कि मतलब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है। या तो ऐसा है कि या तो आप प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दो उसके बाद, या तो किसी MNC कंपनी में चले जाओ, जाना तो MNC कंपनी में, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में ही आपको हायरिंग मिलती है, यहाँ से छोटी मोटी कंपनी में नहीं मिलती है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं ना, उसके तुम बाप होते हो, जब तक वेबसाइट को तुम अप्रूव नहीं करोगे ना, तब तक वेबसाइट होस्टेड नहीं होती है भैया, यहाँ सुन लेना। नाम सुनने में अच्छा लगता है ना कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, तुम इनसे भी खतरनाक होते हो, ठीक है। एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल
मतलब डेवलपर डरता है तुम लोगों से, ठीक है? तो समझ लेना कि इतना बड़ा प्रोफेशन है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। और दूसरी चीज है, अगर आप क्यूरियस हो चीजों को लेके तो ही आप इस फील्ड में आओ, अगर नहीं हो ना फिर मजा नहीं आता, पता है? क्योंकि तुम खुद से जब मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मतलब आप खुद से एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ एफर्ट लगाने वाला गेम नहीं है, यहाँ पर मन कर रहा है ना तो खूब सीखो, खूब करो, ठीक है? और जितने भी सोर्सेस चाहिए वो मैं ला के दूंगा, ठीक है? इसीलिए मैं फ्री वेबिनार्स ले रहा हूँ। आप अकेले बच्चे नहीं हो, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? कभी कंबाइंड क्लास होगी तो फिर अभी मैं लेके आऊंगा बच्चों को, ठीक है? कम से कम हमारे पास 300 स्टूडेंट है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कभी मैंने भी नहीं गिने, ठीक है? तो मैं जब आपको उनके साथ लेके जाऊंगा ना, बच्चों के साथ, तब आपको मतलब तब वहां पर हमारे कुछ ऐसे वेबिनार्स होंगे जिनमें लाइव एक्सप्लोइटेशन हो रहा होगा, ठीक है? और फिर आपको CTF चैलेंज वगैरह भी देंगे हम लोग, फिर वो भी आप सॉल्व करना, क्योंकि आप CTF सॉल्व कर करके आप इतने इंटेलिजेंट बन चुके होंगे ना बच्चों। मैं स्क्रीन शेयर करके भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरा लेक्चर सिर्फ यही रहेगा कि मैं आपको गाइड कर दूं पहले, और बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि इसके लिए इसके लिए सर्टिफिकेशंस लगते हैं, ठीक है? वो मैं आपको दिलवा दूंगा, एज अ प्रोफेशनल इसी काउंसिल से दिलवा दूंगा मैं, ठीक है? आपको एग्जाम देना है, ठीक है? 15-20 मिनट का एग्जाम होगा और 2-3 एग्जाम होंगे ऐसे ही, वो आप दे दोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट, एकदम ऑफिशियल, मतलब उसको कोई भी कंपनी डिनाइल नहीं कर सकती है, ऐसा सर्टिफिकेट भी मैं दूंगा आपको, ठीक है? तो सर्टिफिकेट की भी दिक्कत नहीं है, जिसने ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेट, मतलब जिसने ईसी काउंसिल में साइबर एथिकल हैकिंग का कोर्स कराया ना, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, उसी से ही मैं आपको वो दिलवाऊंगा सर्टिफिकेट, ठीक है? अरे OSCP का भी छोड़ो, अभी स्टार्ट करो, OSCP अपर लेवल का है, ठीक है? हम लोग करके बैठे हैं OSCP अभी आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको CTF में मास्टर होना पड़ेगा। जो CTF में मास्टर, इसमें कोई मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो आप एग्जाम दोगे ना, CH हो चाहे OSCP हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आ रहे हो या कोई ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन आ रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है ब्रो, यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पर आपको वल्नरेबल मशीन्स होती है, आपके आपके मतलब आपके टारगेट्स होते हैं, ठीक है? आपको क्लाउड पे एक मशीन बना के दे दी जाती है, उसको आपको पूरा सॉल्व करना होता है, और उसके बावजूद आपका जो सॉल्यूशन है ना, उसके मतलब उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, ठीक है? तो ये होता है यहाँ पर, ये नहीं कि आपने चैलेंज सॉल्व कर दिया और आप पास हो गए, ऐसा नहीं होता, आपने कैसे किया वो डिपेंड करता है। आप घर पे बैठ के करो चाहे कहीं पर भी करो, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, आपने क्या यूज कर लिया वो दिख रहा है उनको, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की है वो दिख गया, उसके मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर पूरा गेम मतलब इसी का ही है कि मतलब आपको प्रैक्टिकली करना है, लाइक आप जैसे मोबाइल चला रहे हो ना, आप याद रखो कि मोबाइल पे आप हैकिंग्स मतलब एथिकल हैकिंग्स देखो, और लैब भी चला रहे हो तो लैब में भी यही काम करो, विंडो की जगह लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, काली लिनक्स का, वो हैकिंग एथिकल हैकिंग में यूज होता है, ठीक है? पैरट का यूज करो, पैरट यूज होता है, ब्लैक आर्क यूज करो, तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब यूज करो, ये विंडो ना बच्चों वाला गेम है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर सोचो ना आप एथिकल हैकिंग हो जाए तो यहाँ पॉसिबल नहीं है भाई, मैं अभी भी बता दूँ, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, आज मेरा मतलब फ्री वेबिनार है, मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन लूंगा और नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे प्रैक्टिकल एक्सप्लॉइट करेंगे अपन सीधा एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पर बस यही है कि यहाँ पर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, यहाँ पर कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पर आपसे प्रैक्टिकल्स होंगे। देखो यार एक चीज है कि अगर आप लाइक सबसे फेमस गेम का लेता हूं मैं, अगर आप पबजी खेलते हो, ठीक है? आप डेली पबजी खेल रहे हो, मतलब 4 महीने आपने कंटिन्यू पबजी खेला, फिर आपको रट जाएगा कि यार मैं पबजी कैसे खेल रहा हूँ, ठीक है? कैसे मतलब मेरे को हिट करना है, क्या करना है, पता नहीं क्या क्या होता है, खैर मैंने ज्यादा नहीं खेला उस चीज को, ठीक है? तो ऐसा ही मतलब यहाँ इसमें होता है साइबर सिक्योरिटी में, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारी वल्नरेबल मशीन सॉल्व कर ली है, मतलब लूप होल्स वाली मशीन है,
और उसके बाद, अरे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं ये कहता हूँ जितनी इम्पोर्टेंस है ना वो मैं करवा के दूंगा आपको। यहाँ पर कोड रीड करने आने चाहिए, ठीक है। आपको कोड रीड करना आता है ना, आपको पता है कि कौन से कोड से क्या काम होता है, तो फिर आप उसको गूगल से निकाल लोगे। और यहाँ पर हैकिंग में ना, अभी यहाँ देखो, एक वेबसाइट डेवलपर की जो सैलरी होती है मिनिमम 20 से 25 लाख होती है, और एक एथिकल हैकर की सैलरी वही जाती है एक्सपीरियंस वाले की 50 से 60 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर देखो, अगर वो 20 लाख का काम अगर हमको आता तो हमको और ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। अब डेवलपर को क्यों हायर कर रहे हैं? तो ये दोनों मतलब एक दूसरे से अलग है। सिक्योरिटी वाले को डेवलपमेंट नहीं आता, डेवलपमेंट वाले को सिक्योरिटी नहीं आती, दोनों अलग फील्ड है। बस डेवलपमेंट वालों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी क्या होती थोड़ी बहुत, और जो एथिकल हैकर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि इस कोड से क्या होता है, ना कि तुमको कोड लिखना है, ना कि तुमको वो प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, एक मिनट में बस स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बस एक मिनट देना है ना। वेलकम टू आर मास्टर क्लास ऑन एथिकल हैकिंग। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, एंड बिकॉज इस मास्टर क्लास में हम लोग आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। एंड अगर आपको एक एथिकल हैकर बनना है और इस फील्ड में एथिकल हैकिंग में आप अपना करियर देख रहे हो, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस मास्टर क्लास में हम ए टू जेड सब कवर करेंगे, और हम लोग लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि हम आपको लाइव हैक करके बताएंगे अगले सेशन में कि कैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट हैक कर सकते हो, और हैकिंग कैसे परफॉर्म होती है, कैसे हैकर्स चीज़ों को हैक करते हैं। तो आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले इस एथिकल हैकिंग की मास्टर क्लास में। सो बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ करण साहू, एंड आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो आई एम एन एथिकल हैकर एंड बग हंटर फ्रॉम 5+ years, एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। तो ये तो था मेरे बारे में। सो एंड आज की क्लास लेंगे अनूप अहिरवार सर। सो अनूप सर, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। इनका मतलब ये मास्टर क्लास है, ठीक है ना। तो बच्चों, ये ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से प्रेजेंट की जा रही है ये क्लास, ठीक है ना। अपनी कंपनी है ग्लोबल, अपनी है यार, आप लोगों की भी है, मतलब आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। हमने मतलब इसलिए बनाया है कि हम मतलब इंडिया जो है ना यार, मैं ऑडिबल हूँ, कोई बोल दो बस। एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी इसलिए बनाया है कि हमने सोचा क्या, मैं साइबर सिक्योरिटी की इतनी सारी नीड आई है और इतनी सारी जॉब्स निकल रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अभी एक कंपनी पोस्ट करती है, तो वो पोस्ट जो रहती है ना, वो एचआर जो होते हैं कंपनी के, वो 6-7 महीने तक एक ही पोस्ट को चला रहे होते हैं कि हमको साइबर सिक्योरिटी की नीड है किसी ऑफिशियल की, ऑफिशियल। तो अब क्या हो रहा है कि वो 7-8 महीने में एक व्यक्ति नहीं हायर कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? वहां पर अप्लाई करने वाले तो 400-500 लोग हैं, आता किसी को नहीं है भाई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इंसान को आता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसने बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दिया एचआर को, उसका टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल राउंड में उसने चलो ठीक है मुंह चला लिया, वहां पे बोल दिया कि हाँ मुझे आता है, सब कुछ आता है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक है। फिर जब उसको वेबसाइट हाथ में दी या फिर उसको कुछ भी टास्क दिया, फिर वो नहीं कर पाया, काम नहीं बन रहा है, तो भाई वो तुमको क्यों जॉब देगा? यहाँ एचआर को सिरदर्द हो जाता है कि यार बंदे मिल नहीं रहे हमको, और मैनेजर बोलता है कि यार मेरे को वो बनना चाहिए जिसको काम आता हो, मैं पैसा कितना भी दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसी अभी बहुत ज्यादा मतलब मैं देख रहा हूँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ये मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, ठीक है। मैं भी मतलब अभी इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो एक मिनट रुकना।
मेरी आवाज क्लियर है ना करण सर? जो मतलब मैं यही बोल रहा था कि मतलब सभी कंपनी के साथ है ये, सभी कंपनी के साथ है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो बेस्ट है, अगर आपने बीकॉम या फिर कुछ भी किया ना छोटा मोटा कोर्स तो भी बेस्ट है। यहाँ पर मतलब साइबर सिक्योरिटी का कोई कोर्स नहीं है, यहाँ पर नॉलेज का काम है। एक कंपनी को मिलता है प्रोजेक्ट, ठीक है, कंपनी बोलती है कि मेरी जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है, उसमें लूप होल्स है, आप ढूंढ के दे दो, ठीक है। अब मैनेजर होता है, अब वेबसाइट बहुत बड़ी होती है भाई, सुनना मेरी बात, वेबसाइट छोटी मोटी नहीं होती है, उसके एक एक मतलब एक एक वर्किंग पॉइंट पे वल्नरेबिलिटीज होती है, तो और बहुत लॉजिकली ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए काम आना चाहिए आपको, ठीक है। एक सिस्टम में सिक्योरिटी ऑडिट करने जाते हो ना तो वहां पर हर एक सिस्टम रहता है और हर एक सिस्टम को ऑडिट करना होता है आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ टास्क होते हैं, बनता ही नहीं है तो वो उसको जॉब क्यों ऑफर करेगा? अगर आपसे बनता है तो वो जॉब आपको ऑफर करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपने प्रैक्टिकली काम किया है, आपने CTF सॉल्व किए, आपने लाइव मशीन सॉल्व किए, ठीक है, अभी आप चाहो ना तो अभी आप मतलब ऐसा हैकर माइंड से अगर आप सोचो ना तो अभी आप मतलब बहुत कुछ हैक कर सकते हो। छोटी मोटी नहीं होती ये फील्ड, ये फील्ड बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगती है बच्चों, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए ग्लोबल डिफेंस सिक्योरिटी आपके लिए लाया एथिकल हैकिंग मास्टर क्लास। तो यहाँ पर सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा आपका लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आता है व्हाट इज हैकिंग, तो कौन जानता है, एनीवन, कोई जानता है व्हाट इज हैकिंग? एक मिनट मेरे को देखना पड़ता है यार, बच्चे मैसेज करते हैं, मैं भी, आपको नहीं पता व्हाट इज हैकिंग, तो मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज हैकिंग। तो हैकिंग का जो मतलब होता है ना, हैकिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है बच्चों कि एक बंदा जिसको साइबर सिक्योरिटी आती है, लेकिन अब वो क्या, अभी एक चीज याद रखना कि मतलब वो इतना पावरफुल हो गया है, वो साइबर सिक्योरिटी में मतलब बहुत पावरफुल हो गया है वो, ठीक है, उसको बहुत नॉलेज हो गया है। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपना उसका इंटेंशन गलत हो गया है कि यार मतलब वो लोगों से परेशान हो गया है, या फिर लोगों को परेशान करने में उसको मजा आ रहा है, या तो फिर कंपनियों को बर्बाद करने में उसको मजा आ रहा है, गवर्नमेंट से उसकी दुश्मनी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंटेंशन होते हैं उसके, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि अब वो जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना, एथिकल हैकिंग होती है, उसको वो अनएथिकल तौर पे यूज करने लगता है, मतलब लोगों को परेशान करना, अपने फायदे के लिए काम करना, मतलब मैलिशियस इंटेंशन रहती है उसकी, ठीक है। तो ये होती है हैकिंग, ठीक है, ऐसी होती है हैकिंग भाई। इसमें मतलब बहुत कुछ है एथिकल हैकिंग में, बहुत सारा कुछ है। आप अगर आओ इस फील्ड में आपको बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद आते हो तुम लोग, जो शायद मैं भी शायद आप लोगों में से, मेरे को नहीं पता है किस किस का ड्रीम है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा किस किस का ड्रीम है एथिकल हैकिंग बनना। भाई अभी मुझे अवार्ड चाहिए, मुझे बताओ। यस दुबे, नफीस खान, नू बैकर, यस पांडे, बस, अच्छा हाँ मिस्टर एम के, बस इतने लोग यार, मतलब अच्छा ये भी आदित्य, गौरव सैनी भी, ठीक है, मतलब लगभग अब मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई तुम लोगों का मतलब एथिकल हैकिंग में कुछ है, तुम लोगों को एथिकल हैकिंग करनी है। तो अब ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ठीक है, व्हाट इज एथिकल हैकिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी मैलिशियस इंटेंशन के साथ परेशान करता है लोगों को, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हायर हो, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद आप लोग कहाँ जाने वाले, आप किसी MNC में होगे अच्छी वाली, या आप साइबर सेल ज्वाइन करोगे, या तो आप साइबर आर्मी ज्वाइन कर लोगे, या फिर आप NTRO ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना। वो NTRO एक अलग ही मतलब अलग ही लेवल है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है वो, ठीक है, वहां भी जा सकते हो भाई, सब जा सकते हो आप, वहां पर भी नॉलेज का गेम है, ठीक है। तो मतलब आप फिर कहीं पर भी रो में, कहीं पर भी कहाँ जाओगे आप, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जहां भी जाओगे ना तो आपका काम एथिकल हैकिंग ही रहने वाला है। आप क्या करोगे, जो हैकर है ना, जिसके गलत इंटेंशन है,
चलो ठीक है, आपको मतलब मैं ये बता रहा हूँ, उसको आपको डिफेंड करना है, जिसका भी गलत इंटेंशन है उसको आपको रोकना है, और आपको अभी ही नहीं पता चलेगा, आप एक आम आदमी हो, और एक आम आदमी होने के बावजूद भी आपके मैसेज बॉक्स में फालतू की इतनी सारी लिंक्स पड़ी होती है, ठीक है। अब एक कंपनी है जिसका टर्नओवर मतलब साल का 400-500 करोड़ हो रहा है, भाई आप आपका तो साल का अभी आप क्या कमा रहे हो, आप तो बेरोजगार होगे, या फिर अगर रोजगार भी होगा तो फिर साल का 5-6 लाख ऐसा कुछ कमा रहे होगे, ठीक है। अगर कुछ फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहे हो तो इतना तो कमा रहे हो, उसके बावजूद आपके मैसेज बॉक्स में रोज एक लिंक आती है, रोज आ रही है, मतलब वीक में 5-6 दिन तो आ ही रही है, ठीक है। जब एक आप जैसा बेरोजगार इंसान एक हैकर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 400-500 करोड़ का टर्नओवर साल का कमा रही है, वो उस हैकर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उस हैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसने उसको हैक कर दिया ना, तो वो 200 करोड़ रुपए मांगेगा उससे, बोलेगा कि भाई साल का आधा मुझे दे तभी छोड़ूंगा मैं तुमको। भाई इंसान 200 करोड़ हैकर को देने से अच्छा 1 करोड़ रुपए एक एथिकल हैकर को दे देगा, 1 करोड़ में वो 2 एथिकल हैकर हायर कर लेगा, 2 एथिकल लेकर उसको मतलब उस लेवल पे मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्ड तो कर ही देंगे। वैसे वो इतने मतलब दो कोई हायर नहीं करेगा, कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैं भी ना पता हो, आप कभी पूछना आपका कोई भी मतलब आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो कोई भी रिलेटिव होगा, बहुत होते एक एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितने प्रोडक्ट मिलते हैं उतनी जितनी नीड आती उतने होते हैं। अब आपको लग रहा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इतनी मतलब, भाई आजकल सब तो डिजिटल है, आजकल दुकान डिजिटल है, आजकल एक पान की दुकान भी डिजिटल होने को चाहती है, तो इन लोगों को सिक्योरिटी कौन देगा भाई बल्क में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कॉल सेंटर हुआ, एक कॉल सेंटर में भाई चल रहा है, बढ़िया कॉल सेंटर चल रहा है, अब कॉल सेंटर हैक हो गया तो अब उस कॉल सेंटर को भी चाहिए साइबर सिक्योरिटी। तो क्या होता है कि ये आईटी सिक्योरिटी कंपनी से ये सिक्योरिटी लेते हैं, तो आप इनके लिए काम करते हो एज अ मतलब आईटी कंपनी से, मतलब आप लगभग आप अपने स्टेट में कम से कम आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप समझ लेना कि 20 से 25 ऑर्गेनाइजेशन को आप अकेले सिक्योरिटी दे रहे हो, और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ ही जो सिक्योरिटी दे रहे होंगे, तो ऐसे ये वाइडली स्कोप है और ये बढ़ता जा रहा है। अभी 4G है, फिर 5G आएगा, सुनना है मेरी बात, अभी 4G चल रहा है तो ये स्कोप है, ये हालत है कि मतलब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, अभी 5G आएगा तो मैं बता रहा हूँ फिजिकल काम खत्म हो जाएंगे, सब ऑनलाइन चलेगा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जूते कपड़े हम ऑनलाइन मंगाएंगे, लेकिन आज करते हैं ना ट्रस्ट, अभी मतलब घर का खाने का सामान भी अमेज़न पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो भाई ये सोचो कि मतलब आने वाले टाइम में फिजिकली खत्म, लोग डिजिटली है, अभी कर लो, ठीक है, फ्यूचर देख लो। अभी अगर किसी को लगता है ना कि मैं आज मतलब आज एक सेल्स की जॉब फील्ड की जॉब करके या फिर कॉल सेंटर में दिमाग माथा पच्ची करके अगर मैं पैसा कमा लेता हूँ और अभी मैं खर्चा कर लेता हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या है, मैं बात करता हूँ फ्यूचर की आपके, ठीक है, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, आओ इस फील्ड में, आपका स्वागत है, बहुत कम लोग हैं, बहुत जगह है, ठीक है। तो यही चीज है, मतलब जो आदमी मतलब जो इंसान, ठीक है दिलावर ला रहे वो आपको, अगर रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो फिर आप मतलब आप सर से ले लेना, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड क्लास, ये सेशन तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं क्योंकि ये तो मतलब बहुत बेसिक सेशन है। हाँ तो मतलब यही है बच्चों, आज मतलब आपने ये डिसीजन लिया और आप आ गए, ठीक है, क्योंकि एक टाइम था जब कोई मतलब बहुत कम लोग थे जो कि यूपीएससी के पीछे भागते थे, ठीक है। अब मैं एक यूपीएससी का तुमको एक फंडा बता, यूपीएससी में हर साल 100 से 200 सीटें निकलती है, ठीक है, 200 सीटें मान के चलो, अरे मान के चलो 1000 सीटें निकल गई, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट में ना कम से कम 10 से 15 हजार एक इंस्टीट्यूट में बच्चे, एक इंस्टीट्यूट में, फिर उसके बाद ऐसी कम से कम 2 से 3 हजार इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो कहने का मतलब है उनको कोई स्टूडेंट नहीं कहता, उनको एस्पिरेंट्स बोला जाता है,
ठीक है, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा वहां पर मन लगा के कर रहा है, उसको खूब नॉलेज है, वो एग्जाम भी निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू में रह जाता है वो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में उसको कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है। अगर उससे इंटरव्यू में भी अगर एग्जाम ले लिया जाए ना, वो निकाल देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो भाई ऐसी जगह पे क्यों उलझना, क्यों उलझना भाई? यहाँ पर पैसा है, नाम है, सब कुछ है, गवर्नमेंट, अगर नॉलेज होगा तो गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, सब कुछ लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी लगेगी आपकी, ठीक है। आप गवर्नमेंट में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब और यहाँ पर पहली बात तो फिजिकल वर्क होता नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर सब डिजिटल होता है, बढ़िया एसी में बैठ के काम करो, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। और उसके बावजूद भी अगर आपको काम नहीं करना है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बग बाउंटी, बग हंटिंग होती है, ठीक है, वहां पर डॉलर्स में पैसा मिलते हैं, और मिनिमम से मिनिमम $100 भी आपको एक बग बाउंटी का मिल, बाउंटी का मिल रहा है ना। सबसे छोटी जो बाउंटी लगती है ना, वो $100 की लगती है, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो, रोज ढूंढोगे, रोज आपको मजा आएगा। और अगर 5,000 की, मतलब P2 कैटेगरी की, अगर आपको जिस दिन लग गई ना 5 से 10,000 की, तो $5,000, $5,000 को गुणा करो 95 से, कर लो भाई मल्टीप्लाई, 85 ऐसे कुछ चल रहा होगा, उससे डिवाइड कर, वो मल्टीपल वो कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक बाउंटी के लोगों को, एक बग के लोगों को कितनी बड़ा रिवॉर्ड लगता है। तो यही होता है भाई इस फील्ड में, मतलब आप कहीं पर भी हाथ डालोगे तो आपके हाथ में पैसे आने, ठीक है, ऐसी फील्ड है। तो अगर भाई देखो, आपका डेडिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं गाइडर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, लाइव एक्सप्लोइटेशन भी करवाऊंगा। खुद के अंदर एक वो होनी चाहिए, खुद के अंदर एक आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। जितना आपने UPSC या फिर गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ाया हो ना, 4 महीने भी, उतना अगर आपने यहाँ पर पूरे लगन से पढ़ लिया ना, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आप अपना करियर बदल लोगे। अभी के अभी आपके हाथ में एक रोजगार होगा जो कि आप घर बैठे कर रहे हो, इतना मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सही जगह आ गए हो, ठीक है। क्यों नहीं यार, यहाँ सीधा नॉलेज का फंड है यार, यहाँ पर नॉलेज का फंड है, अगर नॉलेज है तो आओ करो। हाँ, प्रॉब्लम ये थी इंडिया में अभी की यार, मतलब इसके सिलेबस अवेलेबल नहीं थे, अंग्रेज लोग चप्पर चप्पर कर रहे थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, बच्चे प्योर हिंदुस्तानी है ना, प्योर इंडियन है बच्चे, वो अंग्रेज लोग बोल रहे हैं, मैं अभी हिंदी में लेके आया हूँ, अब आ जाओ पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, आओ मेरे साथ, आओ पूरी एनर्जी के साथ आओ, मैं हिंदी में लेके आया हूँ आपका, आपके लिए सेशन, और लाइव एक्सप्लोइटेशन लेके आया हूँ। मैं किसी ऐसे अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ इन्हीं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो अपना करियर अभी मतलब बना लो हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में, ठीक है। अब बढ़ाते हैं अपन अपने सेशन को आगे बच्चों, ठीक है। अब तुम्हारी बारी भी आ गई, अब टाइप्स ऑफ हैकिंग भी देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ हैकिंग देख लेते हैं अपन, है ना, हमारे पास टाइम नहीं रहता है ना हमारे पास। लाइक मैं अभी आया था, मतलब प्रोजेक्ट के बिहाफ पे मैं अभी आया था, हमें कहा आया था ये भी बताऊंगा नहीं अभी, मतलब मैं अभी प्रोजेक्ट के लिए आया था, कंपनी में ऑडिट कर रहा था मुझे सिक्योरिटी, तो मुझे टाइम नहीं में होता है, ठीक है। तो मैंने सेशन भी शायद मैं भी लेट ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे ही है यार, तो मैं आपकी क्लासेस, मतलब क्लास आपकी प्रॉपर लगेगी, इतना मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों की लग रही है क्लासेस, ठीक है। मैं नहीं रहता हूँ, हमारे पास पांच एक्सपर्ट फैकल्टीज है, ठीक है, जो कि आपको लाइव एक्सप्लोइटेशन कराएंगे, ठीक है। उसमें से एक मैं हूँ, एक करण सर हैं, एक राज ठाकरे सर हैं, एक शिवम शुक्ला सर हैं, ठीक है, और एक मैडम है हमारी, ठीक है। तो हम 5 लोगों का ग्रुप है, हम लोगों ने सोचा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस प्रॉपर मिलेंगी, ठीक है, और वो भी लाइव एक्सप्लोइटेशन के साथ, और आपको प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है, बस ये बोलना कि सर मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हैकिंग में देख लेते हैं बच्चों,
इसमें होता है वेबसाइट हैकिंग होता है, ठीक है। वेबसाइट हैकिंग में क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट रन कर रही होती है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपन को सर्वर पे, मतलब सिस्टम के अंदर जाने का एक्सेस देती है, क्योंकि आप किसी वहां पर आप मतलब आप किसी भी चीज पे टच कर रहे हो। आपने जैसे एक आपको जूता पसंद आया, उस पर टच किया, ठीक है, वो जूता ओपन हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको वो रिक्वेस्ट सर्वर पे गई है। तो वही कहीं लूप होल्स होते हैं जिनका यूज करके हैकर क्या करता है, सर्वर के अंदर घुस जाता है। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब एक पेंट है जो कि 5,000 की आ रही है, लेकिन उसने उसका प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है, प्राइस टेम्परिंग होती है, वो सर आपको दिखा देंगे कैसे प्राइस करते हैं अपन, प्राइस कम कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्काउंट मिल रहा है 20%, उसको 80% कर दिया आपने, आपको चीजें फ्री मिल रही है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जिनसे वेबसाइटों को नुकसान होता है। मतलब हैकर बहुत सारे लॉजिक्स यूज करता है, बहुत सारे हैकर जैसे रहे हैं यूएसए के, यूएसए में क्या है, लोगों के पास जुनून है, जज्बा है, तो वो क्या होता है वहां के 15-15 साल के लड़के नासा हैक करके बैठ जाते हैं। हाँ यार कर देते हैं, यार कर देते हैं, उनको मतलब मिला है, उनको अपनी लैंग्वेज में मिल रहा है ना। यहाँ तो ना मैं ना किसी को कहूंगा ना कि भाई आपका शुक्रिया, उसको मजा नहीं आएगा, जब मैं थैंक यू कहूंगा ना तो उसको ज्यादा मजा आएगा, मुझे तो अजीब सा लगता है ये, ठीक है। मैं भी जाता हूँ एमएनसी की कंपनीज में, एचआर लोगों से और मैनेजर लोगों से मेरी मीटिंग होती है, तो मैं भी शुक्रिया बोलता हूँ उनको, क्योंकि हमको मतलब हम कहीं कुछ भी ऐसा, हमको ऐसा फीलिंग ही नहीं आता बोल दूंगा तो मेरे को, तो उनको फिर मजा आने लगता है। भाई मैंने मतलब उसको थैंक यू बोला तो मतलब तो दोनों का एक ही है, बस यूएसए वालों को यही प्रॉफिट है, उनको सब कुछ लोकली लैंग्वेज में मिल जाता है, तुम लोगों को नहीं मिल पाता है। जिसमें कि टैलेंट इंडिया में गए, मतलब जो बचपन में सीख गए वो सीईओ बन गए कंपनियों के, ठीक है। वो कंपनियां इंडिया की नहीं है, वो फॉरेन की कंपनी है जिनके सीईओ बने। इंडिया में टैलेंटेड टैलेंट बहुत है लेकिन उनको कोई उठाना ही नहीं चाहता है, तो हमने रेवोल्यूशन छेड़ दिया कि भाई आईटी इंडस्ट्री है, उस यूज करते हैं, बग बाउंटी करते हैं। आप देख लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, मे भी हो सकता है किसी ने डाली हो बग बाउंटी पे, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, देख लेना क्या होती है बग बाउंटी। ये वेबसाइट हैकिंग का पार्ट है। उसके बाद होती है नेटवर्क हैकिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें सर्वर चल रहा है, उसके अंदर स्विचेस चल रहे हैं, उसके अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, उसके सर्वर्स चल रहे हैं जो सर्विस दे रहे हैं। जैसे घर बैठे बैठे तुम गूगल खोल रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, ये उनके ऑफिस में सर्वर लगे हुए हैं, इनके सर्वर रूम्स होते हैं, ठीक है। तो सर्वर मतलब वेबसाइट से तो तुम हैक कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना कंपनी के अंदर का, जितने भी डिवाइसेस होती है, उन सबको सिक्योर करना, ये नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल हैकिंग होती है। ईमेल भी बहुत, भाई बहुत सेंसिटिव है आजकल। मैं ईमेल आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन अभी आपका एक ईमेल हैक हो गया ना तो आपको पुलिस घर से उठा के ले आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके हाथ से क्या क्राइम हो गया। ये होता है भाई आजकल ईमेल हैकिंग में, ठीक है बच्चों। फिर होती है कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग तो सबको पता होगी, और पासवर्ड हैकिंग भी सबको पता होगी, मुझे तो लगता बताने की जरूरत ही ना है। ये कंप्यूटर में तो आप सब कुछ हैक कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी कंप्यूटर हैक कर सकते हो, ठीक है। ये सब हैकिंग्स होती है, इसमें मतलब ये हैकिंग्स होती है, टाइप्स ऑफ हैकिंग है। इसको मैं साइबर सिक्योरिटी, एज ए साइबर सिक्योरिटी आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर भाई अगर आप चोर की नजरों से देखोगे ना, चोर की नजरों से सीखोगे ना, तो चोर को पकड़ना आसान है। अगर आप पुलिस की तरह सोचोगे ना तो चोर को कभी नहीं पकड़ सकते भाई, यही फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, यही होता है। और कहने का मतलब ये ना, जो कानून के दायरे में रह के काम करता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पुलिस कभी कानून के दायरे में काम रह के करती नहीं है, ठीक है, वो तो हमको तो पता है। फिर उसके बाद पासवर्ड हैकिंग होती है, जिसके लिए बच्चे मतलब मुझे बोलते रहते हैं कि सर मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड हैक करना है, मुझे फेसबुक का पासवर्ड हैक करना है, सर वो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका मुझे पासवर्ड हैक करना है, उसका अकाउंट हैक करना है, क्या है यार ये। ऐसा बच्चों की थिंकिंग है। और इसमें मतलब हमारे जितने सेशन हुए ना, उसमें बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर मुझे तो इंस्टाग्राम का पासवर्ड हैक करना सिखा दो, फेसबुक का पासवर्ड हैक करना सिखा दो, 2 मिनट का तो काम है, 2 मिनट में आप सीख जाओगे, लेकिन कर क्या लोगे, करियर थोड़ी बनेगा, करियर बुझाएगा लड़की का चक्कर बाबू भैया, नहीं करने का, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। अभी करियर बना लो, कहते ना अगर करियर बना लिया ना, अगर करियर बना लिया, देखो सबसे पहली बात पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सब आएगा,
अगर पैसा नहीं है ना तो ठोकरें मिलेंगी जिंदगी में, पहले कुछ बन जाओ फिर करना सब कुछ, फिर सब पे नजर रखना, ठीक है? अगर बन गए ना है कर तो फिर मतलब जहां चाहे वहां नजर रख सकते हो, इतनी पावर है तुम्हारे पास में, ठीक है ना? हु एम आई, ठीक है, हु एम आई, हु आर यू, आई डोंट नो, ठीक है ना? फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं, ये मतलब सारी सेम फील्ड होती है, तो इसमें सबसे पहला होता है भैया ब्लैक हैट हैकर, ठीक है? ब्लैक हैट हैकर मतलब भाई खराब वाला हैकर, ठीक है, जो कि मतलब गलत इंटेंशन के साथ काम करता है अपने नॉलेज का। भाई अगर वो ब्लैक हैट हैकर होगा, अब उसको लग गई किसी चीज की बुरा, या फिर उसको लग गया लालच कि यार मेरे को तो मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो मतलब अरबपति बनना है और मेरे को तो सिर्फ अम्बानी को हैक करना है या फिर किसी बड़ी कंपनी को हैक करना है और रातों रात करोड़पति, ठीक है? होते हैं भाई ऐसे लोग, क्योंकि भाई नॉलेज हो गया है ना बंदे को, बंदे को हो गया है नॉलेज, समझो यहाँ पर थिंग समझो, बंदे को नॉलेज हो गया है, अब वो चाहता है कि भाई मेरे करोड़ों का मतलब मेरे को तो करोड़ों चाहिए, मेरा मेरे को मजा नहीं आ रहा, महीने भर काम करता हूँ 5 लाख रुपए मिलता है, 30 दिन मेरे बर्बाद हो रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैं मतलब एक महीने तैयारी करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को हैक करता हूँ, उससे 200 करोड़ रुपए लेता हूँ और ऐश करूंगा। एक ऐसा हैकर था, आप गूगल पे सर्च कर, वो यूट्यूब पे सर्च करना आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना, उसको हैप्पी हैकर कहते हैं। उसने यही किया था, उसको बहुत नॉलेज हो गया था, उसने डेवलपर हायर किया, अपना आइडिया बताया, उसने उस हिसाब से उसको वायरस बना के दे दिया, ठीक है? उस वायरस का नाम भी मैं बताऊंगा आपको क्या था। वो क्या करता था, सिस्टम में जाता था, लोगों के आईडी पासवर्ड सिस्टम में सेव रहते थे, वो इसको मैसेज कर देता था, नहीं तो फिर मैसेज करने के बाद वो ट्रांजेक्शन कर देता था उसके अकाउंट से, यही होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ओटीपी भी आता है, इंडिया में आता है ओटीपी, बाहर नहीं आता है, इसीलिए लोग बस कार्ड करना क्या ज्वाइन हुआ है कि नहीं, यहाँ देखो डिस्टर्ब मत करना है ना माइक खोल के, ठीक है? तो बाहर के लोगों में मतलब ओटीपीज नहीं आते हैं, नहीं आते हैं भाई, उनको सिर्फ क्रेडेंशियल डालना होता है और ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो मतलब वाइट ब्लैक हैट हैकर मतलब खराब वाला हैकर, और वाइट हैट हैकर मतलब अच्छा वाला हैकर, उसको रोकता है कैसे भी करके रोकता है। अगर ये वाइट हैट हैकर्स नहीं होते ना, तो अब भी आज के टाइम में हम इतने डिजिटल नहीं होते, सारी चोरियां हो जाती है। रशियन हैकर, चाइनीज हैकर एक्टिव है, चाइनीज हैकर और रशियन हैकर तो इतने एक्टिव रहते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, हर एक जगह पे मिलेंगे, उनका काम ही यही है। चाइनीज वालों का काम है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, रशिया वालों का काम है बैंक के अकाउंट से पैसा उड़ाना, दोनों की अलग अलग जरूरत है। फिर उसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर, वो दोनों काम करता है, ठीक है? वो या तो किसी कंपनी में काम करता है, फिर साइड बाय साइड गलत काम भी कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गए थे टाइप्स ऑफ हैकिंग। उस फिर उसके बाद आता तुम्हारा मतलब ये कुछ स्टेप्स में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले रिकनेंस पढ़ाने वाला हूँ, रिकनेंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? रिकनेंस में क्या होगा आपका, बच्चों ध्यान से सीखना, आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे टारगेट पे, ठीक है भाई? किसी को टारगेट कर रहे हो, जिसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप उसकी जानकारी देखोगे कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लोगों को मिल सकती है, ऐसे करके सिक्योर करोगे ना आपकी वेबसाइट के बारे में, कोई मतलब गलत प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई गलत जानकारी तो नहीं है, आपने तो सिर्फ शॉपिंग की है ना फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे कभी आपने क्रॉलिंग नहीं की है, क्रॉलिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, यहाँ पर आप एक एक चीज वेबसाइट का आईपी से लेके उसके सब डोमेन से लेके सब कुछ, उसका सर्वर मर्वर क्या है सब कुछ पता करोगे, ये होगी रिकनेंस। और रिकनेंस में भी यही होता है, आईपी लोकेशन ट्रैकर, ठीक है? ये सारी चीजें रिकनेंस में ही होती है, आपको हम सिखा देंगे, टेंशन मत लो लोकेशन ट्रैक करना, क्योंकि लोगों की आजकल यही डिमांड है कि लोकेशन ट्रैक करना। लोकेशन ट्रैक करने से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो घर पे अगर खुल लिया तो इसकी भाई बहुत डिमांड है अभी लोकेशन ट्रैकर की, ठीक है? फिर उसके बाद होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, आप सर्वर्स देखते हो, सर्वर के पोर्ट्स देखते हो। स्कैनिंग का मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मतलब एक आपने देखा होगा एमआई रिमोट जो कि एसी से कनेक्ट हो जाता है,
ठीक है, ऐसी से कनेक्ट हो जाता तो वो कैसे हो जाता है? आप वहां कॉन्फिडेंट हो कि उस पर सर्विस चल रही है जो कि रिमोट एक्सेस मुझे देगी? आपको पता है वहां पे टीवी आप ऑपरेट कर रहे हो, आपको पता है कि टीवी मुझे एक रिमोट सर्विस दे रही है? ठीक है, स्कैनिंग करके यही पता करना रहता है कि यार मतलब यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस चल रही है, मैं कैसे सर्वर का एक्सेस ले सकता हूँ, ये चीज देखनी है एक्सेस स्कैनिंग में। उसके बाद आता है गैनिंग एक्सेस। जब आप देख लोगे ना कि मेरे को एक लूप होल मिल गया सिस्टम में, फिर आप उस सिस्टम के अंदर जाओगे, इसका मतलब होता है गैनिंग एक्सेस, मतलब गैन करना एक्सेस। ठीक है, ये होता है गैनिंग एक्सेस। फिर उसके बाद होता है मतलब आप अंदर चले गए सर्वर के, फिर उसके बाद आता है मेंटेनिंग एक्सेस। फिर वहां पर आपको जब चाहे तब जाना है, उसके लिए आप एक बैकडोर बना देते हो वहां पर, पीछे वाला दरवाजा, ठीक है, चोर वाला दरवाजा, किसी को नहीं पता है, सुरंग खोद देते हो वहां पर, सुरंग से जब चाहे तब जाते हो सर्वर के अंदर, कुछ भी उल्टा सीधा करके आ जाते हो। ठीक है, फिर होता है कवरिंग ट्रैक्स। भाई जब आपने इतना कुछ उथल पुथल मचाया है कमरे के अंदर, तो सामान को हिफाजत से रखना भी तो आपका काम है। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक ब्राउजर में लाइक जैसे कि हम कुछ भी सर्च वर्च करते हैं, हिस्ट्री बनती है, वैसे ही सर्वर पे बन जाते हैं लॉग्स। तो लॉग्स को डिलीट करके बाहर आना है अपन को, नहीं तो उसको तो पता चल जाएगा ना कि इसने बैकडोर बनाया है। लॉग्स देखेगा कि यार कहीं बैकडोर बना है, सर्वर के अंदर वायरस मालवेयर या ट्रोजन छोड़ के चला गया है। तो ये सब कुछ हैकर की टेक्निक्स होती है, ये HCH के कोर्स रहता है एथिकल हैकिंग का, उसका सिलेबस है। ठीक है, कि हैकर कैसे काम करते, तो तुमको भी ऐसे ही सीखना है और उसको रोकना है ऐसे सीख के। हैकर ये काम करे उससे पहले तुमको करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मतलब अनाउंसमेंट थी, मोदी जी करके चले गए थे, ठीक है, हम भी थे उसमें। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे, अकॉर्डिंग टू इंडिया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंडिया रिक्वायर्स 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, वाइल वी हैव ओनली 65,000, जबकि हमारे पास 63,000 है, वो भी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को 5 लाख की जरूरत है और उसके पास 63,000 ही है, बाकी वैकेंसी भरनी है लेकिन कोई नहीं मिल रहा। पढ़ लो बच्चों, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की हालत है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत वैकेंसी है। ठीक है, पढ़ लो, बना लो करियर, सब मिलेगा। करियर में आपको बता ही दूंगा, करियर में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग कैसी करनी है, आपको इंटरव्यू कैसे देने हैं, इंटरव्यू में क्या क्या आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, ठीक है, और सब बता देंगे हम आपको। ठीक है, ये सब बाद में रहेंगी। फिर लाइव प्रैक्टिकल मेरा, तो मैं ये लाइव प्रैक्टिकल, मैं भी आज मेरा 1 घंटा हो गया, तो मैं लाइव प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, ये प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट सेशन के लिए शिफ्ट करता हूँ बच्चों। ठीक है, आज मैं कोई प्रैक्टिकल आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं आज आपको दिखाऊंगा आपको मजा नहीं आएगा, मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं है। प्रैक्टिकल दिखाने से पहले उस प्रैक्टिकल के बारे में मुझे आपको समझाना भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, लड़की पटाने के लिए भाई पहले देखना तो पड़ता है कि लड़की कहाँ कहाँ जा रही है, कैसे कैसे मिलती है, उसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं, रिकनेंस। यहाँ देखो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, समझ रहे हो, तुम जाते हो ना अंकी, मतलब इतने बजे स्कूल जाती है, यहाँ पर बैठ के चाय पीती है, ठीक है, इस स्कूल में पढ़ती है, ठीक है, तो ऐसे ही टारगेट बनाना अपना, ऐसे ही करना है तुमको भी। ठीक है, वहां पर कोई कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ मिलेगा, यहाँ मेहनत की तो आपको मतलब अपना करियर मिलेगा, समझ गए तुम, इंफॉर्मेशन गैदरिंग समझ गए कैसे होती है। हाँ ठीक है बच्चों, लाइव प्रैक्टिकल था, अब पूछो मुझसे डाउट क्या है आपको, है ना, किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। लो बच्चों, मतलब डाउट ही नहीं था यश पांडे को, वो तो चले ही गए। किसी को कोई डाउट है बच्चों, पूछो यार मुझसे, अगर मतलब कोई भी मन में मतलब शंका हो थोड़ी बहुत भी, तो पूछो मुझसे, ठीक है, पूछ लो, नहीं तो बोल दो कि मुझे डाउट नहीं है सर, आई एम सेटिस्फाइड। बच्चों मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या यार? पहला सीजन है जिसमें बच्चों ने डाउट नहीं पूछा मेरे से, बच्चे इतने क्लियर है पहले से। वाह वाह वाह, वीएमआई भी चले गए। तो बच्चों करण सर इनको बता दो नेक्स्ट सेशन कैसे क्या रहेगा, बच्चे लेफ्ट करके जा रहे हैं, डाउट ही नहीं इनको। तो यार अगर आपको
किसी ने पूछा क्लास बनी रहेगी क्या, किसने पूछा ये क्वेश्चन फिर से पूछ। हाँ हाँ अच्छा तुम ही बता दो। अश्विनी चौहान, में एक आंसर देता हूँ अश्विनी चौहान का। देखो अश्विनी चौहान ये फ्री जैसा ही है, ठीक है, आपको फ्री के लिए लाए, और लेकिन अभी आपको ना मैं एकदम फ्री दे दूंगा ना तो फिर आप उसमें ध्यान भी नहीं दोगे। मैं इंडिया को अच्छे से जानता हूँ, इंडिया में अगर आदमी से नहीं दे रहा है ना तो उसकी कदर भी नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए ये जो कोर्स होते हैं ना ये हम आपको इतने में देंगे कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ, मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि हमने कुछ दिया है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि भाई हमने कहीं प्रसाद चढ़ा दिया है। इतने सस्ते में देंगे हम आपको, ठीक है, बस बस कोर्स लॉन्चिंग का वेट करो, आपको पता चल जाएगा। और आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कोर्स के 20-25 हजार रुपए लगते हैं, और यहाँ तो हम 1,000 भी नहीं लेने वाले आपसे, अरे 500 भी लेंगे यार, ठीक है, एकदम ही फ्री टाइप का रहेगा, एकदम फ्री टाइप का, ठीक है। मैं लेके आया हूँ यार आपके लिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, एक घंटा कैसे कैसे मैंने निकाला है आपके लिए, तो यार फिर समझो आप, ठीक है। इस टाइमिंग पे मैं चाहूंगा तो मैं बग बाउंटी भी कर सकता हूँ, 2-3 दिन में एक बग निकाल लूंगा $500 के समथिंग का, मेरा बेनिफिट है ना। फिर मैं काई के लिए आपको इतना मतलब वो कर रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ ना फ्री में, आपका भी मतलब ये बनता है, मतलब मुझे आप आउटपुट दो कि सर हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा वहां पे। आपका जैसा आउटपुट होगा ना मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको जितना आप पढ़ोगे ना मेरे साथ, आपको उस लेवल का समझ में आएगा तो मैं उस लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। अब आप गधे के गधे रह गए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है। फिर अगर मैं आपको एकदम फ्री कर दूंगा ना अभी, अगर मैं मान के चलो एकदम फ्री कर दूंगा तो आपको लगेगा अरे यार मैं क्या पढ़ूं यार, ठीक है 2 दिन का मेरा चस्का था वो उतर गया, भूत उतर गया साइबर सिक्योरिटी का, अब नहीं पढ़ना है मुझे, फिर से मुझे कलेक्टर बनना है, ठीक है, फिर मतलब मैंने पैसे तो दिए नहीं, मुझे नुकसान ही नहीं है। भाई ये डिसीजन होता है, डिसीजन आप खुद नहीं ले रहे हो, ये चीज आप मुझे भी बता रहे हो कि हाँ मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पढ़ाने की, तो मैं इसीलिए आपसे पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपके जो पैसे होंगे ना वो मेरे हाथ में आएंगे ही नहीं, ठीक है, इतने कम पैसे लूंगा मैं। बस आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ दिया है तो मैं कुछ ले रहा हूँ, ये फील आपको आना चाहिए अंदर से, ठीक है ना। जो मैं सर्टिफिकेट आपको दूंगा ना उसकी कीमत इतनी ज्यादा होने वाली है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। सर कंटिन्यू करिए करण सर।